बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने और उसका हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट वाटर के बारे में कहा जाता है इट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, के जो लाइफ का जो बेसिक मीडियम है, मीडियम ऑफ लाइफ दैट इज़ द वाटर, मीडियम ऑफ लाइफ। ठीक है, जो लाइफ है उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे वाटर के प्रेजेंस में होते हैं, तो वाटर एक्ट एज अ मीडियम। उसके अलावा कहा जाता है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा अबंडेंट जो कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें से सबसे अबंडेंट जो कंपाउंड है, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा जो है जो पाया जाता है ज़्यादा जो, दैट इज़ द वाटर। तो ये अबंडेंट कंपाउंड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। क्लियर। उसके बाद कहा जाता है कि एनिमल जो से हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ वाटर के अंदर पाए जाते हैं, कुछ जो से लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, क्या इनके अंदर जो अमाउंट है वाटर की वो सिमिलर होती है? नो, इट वेरीज। तो कहा जाता है जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ वाटर वेरी करता है फ्रॉम 65% टू 89%। क्लियर स्टूडेंट। कहा जाता है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म में 65 हो सकता है, किसी में 66, किसी में 70%, किसी में 75%, किसी में 80%, 89% के इतनी रेंज, इतने परसेंट ये वाटर जोन से ये रेंज बताई गई है कि 65% भी हो सकता है और 89% मैक्सिमम जोन से है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये पाया जा सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसकी जो परसेंटेज है वाटर की वो डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो वाटर का जो अमाउंट है वो वेरी करता है, कुछ में 65% होता है, कुछ में 89% होता है, कुछ में 80% भी होता है। क्लियर। तो इससे हम लोग कहते हैं वाटर की अमाउंट वेरी करती है। जैसे हम लोग ह्यूमंस की ही बात कर लें, एग्जांपल में हमने ह्यूमन लिया है, उसके दो सेल लिए हैं, फर्स्ट वन इज़ द बोन सेल, सेकंड वन इज़ द ब्रेन सेल। क्या इन दोनों सेल्स के अंदर जो अमाउंट है वाटर की वो इक्वल होगी, परसेंटेज वाटर की इक्वल होगी? नो स्टूडेंट, इट डिपेंड ऑन द एक्टिविटी कि इस सेल के अंदर कितने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसकी बेस पे इनके अंदर वाटर पाया जाता है। ह्यूमंस की हमने बात की है कि बोन सेल के अंदर और ब्रेन सेल के अंदर जो वाटर की परसेंटेज है वो भी वेरी करती है। ब्रेन सेल की बात करें तो उसमें 85% वाटर पाया जाता है, जबकि बोन सेल की बात करें तो उसमें 20% होता है। ऐसा क्यों है? इट डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्शंस कि किसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, किसके अंदर ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आपको पता है ज़्यादा काम हमारे ब्रेन सेल्स करते हैं, बोन सेल उसकी रिस्पत थोड़ा सा कम काम करते हैं, इसलिए इनके अंदर वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डन आर परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में वो सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद कहा जाता है इट आल्सो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये खुद भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। के मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन करवानी है, तो ब्रेक डाउन किसकी मौजूदगी में हो रही है? हाइड्रो मीन्स यहाँ पे वाटर की, वाटर की मौजूदगी में जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोलाइसिस। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है। उसके बाद कहा जाता है इट आल्सो एक्ट एज अ रॉ मटीरियल, ये रॉ मटीरियल के तौर पे भी काम करता है। रॉ मटीरियल मतलब ये रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है, इट आल्सो एक्ट एज अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के तौर पे भी काम करता है, रॉ मटीरियल होता है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की कितनी दफ़ा इक्वेशन को डिस्कस किया है,
उसमें देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वाटर मिलता है, दोनों मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर रिएक्टेंट, तो उनके मिलने से फिर हमारे पास ग्लूकोज वगैरह या आगे ऑक्सीजन वगैरह बनती है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है काम, एज अ रिएक्टेंट, तो रॉ मटेरियल के तौर पे, रिएक्टेंट के तौर पे भी ये वाटर काम करते हैं। उसके बाद कहा जाता है जो वाटर है ये सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है, इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे भी काम करता है। ये इसका जो बिहेवियर है मतलब डिफरेंट, जब केमिकल कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट करता है तो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो इसका जो बिहेवियर है विद डिफरेंट कंपाउंड के साथ जो इसका बिहेवियर है वो भी डिफरेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट, वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो कहा जाता है ये जो वाटर है ये खुद क्या है, इट इज़ अ पोलर कंपाउंड, ये खुद पोलर होता है। इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। जैसे इसका हम लोग फार्मूला देखें, ऑक्सीजन होती है और दो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इनके अंदर पोलैरिटी पाई जा रही है, यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, पोलैरिटी पाई जा रही है, सो डैट इट इज़ अ पोलर कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि अगर जो वाटर है ये पोलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा इसका रिजल्ट आएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे देन क्या रिजल्ट आते हैं, अगर ये नॉन आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे देन क्या रिजल्ट, मतलब इसका जो बिहेवियर हमने देखना है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट जो होता है वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर जो कि सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, जब ये रिएक्ट करता है किसी पोलर कंपाउंड के साथ, मतलब पोलर रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर भी पोलर है और जब ये किसी और पोलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा देन क्या होगा। तो ड्यू टू इट्स पोलैरिटी की वजह से ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट प्रूव होता है। मींस यहाँ पे जो पोलर कंपाउंड्स है इसके अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, सो डैट इट इज़ अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स के लिए एक्सीलेंट सॉल्वेंट प्रूव होता है। नेक्स्ट देखें कि जब ये रिएक्ट करता है विथ आयनिक कंपाउंड के साथ, आयनिक कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, ठीक है, जब ये जो सा है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर सॉल्वेंट है ना, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आते हैं, मतलब ये जो NaCl है वो डिसोसिएट हो गया है, टूट गया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव आयन्स में और नेगेटिव आयन्स में। जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो क्लोराइड है, क्लोराइड आयन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो हल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। सोडियम और क्लोराइड के जो एटम हैं वो वाटर में जाके आयोनाइज हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखें जो नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड जब वो वाटर के अंदर उनको डाला जाता है, डिसॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मीन वो कम्प्लीटली इसके अंदर हल नहीं होते। एग्जांपल इसकी देखें, मीथेन, ठीक है, CH4 जब इसको हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो ये कम्प्लीटली हल नहीं होते, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के अंदर मूव करते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है, हैविंग चार्ज, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते नॉन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर के अंदर। उसके बाद नॉन पोलर की बात कर लें,
नॉन पोलर कंपाउंड जोन से हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, तो फिर इसीलिए जैसे हम लोग कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि नॉन पोलर होती हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। अगर वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती तो उससे क्या होता, जो सेल की स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती। तो फिर नॉन पोलर कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स, जैसे ऑर्गेनेल्स वगैरह की सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। उसके अलावा कहा जाता है इट इज़ आल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल कंपार्टमेंट्स, सेल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको बनाने के लिए भी नॉन पोलर जो कंपाउंड है उनको यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो ये थे इसका बिहेवियर वाटर का विद डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कहा जाता है जो वाटर है इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। वाटर सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है बायोकेमिकल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या करता है इन बायोकेमिकल्स को मूव करवाता है, इट मूव्स द केमिकल्स, ठीक है। और आपको पता है जब चीज़ें कोलाइड करती हैं इनके दरमियान में कोलिजन होती है तो इनके जो चांसेस है डिसॉल्व होने के वो बढ़ जाते हैं। तो कोलिजन की वजह से चांसेस जोन से होते हैं डिसॉल्व होने के वो बढ़ जाते हैं। तो जब चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं वाटर के अंदर, वाटर इनको मूव करवाता है और मूवमेंट की वजह से जो बायोकेमिकल्स हैं इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बायोकेमिकल जो सॉल्वेंट है वाटर है वो सेल के अंदर उसका रोल देखें। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज कौन करवा रहा है, कैरी आउट कौन करवा रहा है, दे आर कैटलाइज बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स इन सारे केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाता है। और एंजाइम्स किस मीडियम में कंप्लीटली या प्रॉपरली वर्क करते हैं, इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीन वाटर वाला मीडियम, ठीक है। तो वाटर की मौजूदगी में एंजाइम प्रॉपरली वर्क करते हैं और जब एंजाइम वर्क करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होंगे। अगर एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो केमिकल रिएक्शन भी सही तरीके से नहीं होंगे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट का जो रोल है सेल के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जोन सी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, डेट इज द आयोनाइजेशन। क्लियर? पहले हमने बात की है कि ये एक्ट करता है सॉल्वेंट के तौर पे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को अपने अंदर ये डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है और इसका जो बिहेवियर है डिफरेंट कंपाउंड के साथ वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, डेट इज़ द आयोनाइजेशन, के जो इसका बिहेवियर है कि जब वाटर जोन से है वो आयोनाइज हो जाता है। वाटर को देखें, इसका फार्मूला H2O, कहते हैं ये आयोनाइज हो जाता है, मतलब इसके आयंस बन जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोऑक्सिल आयंस। ये क्या हुआ, आयोनाइज हो गया है, ठीक है। ये जो आयोनाइज हुआ है वाटर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, इट इज अ रिवर्सिबल, ठीक है। क्यों? कि जो वाटर है जो टूटा है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में, दोबारा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलके वो वाटर भी बना सकते हैं, सो दैट इट आल्सो इन्वॉल्व इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन भी करते हैं ये। इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं दोबारा, और वो जो टूटे हुए आयंस होते हैं वो मिलते हैं और दोबारा से उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स दोबारा से बना देते हैं। क्लियर? उसके बाद कहा जाता है अगर हम लोग प्योर वाटर लें, 1 लीटर प्योर वाटर लें, तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोऑक्सिल आयन कितने होते हैं,
तो दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। तो प्योर वाटर जोन से अगर हम लोग एक लीटर लें तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जोन से हैं 10^-7 मोल्स होते हैं, और हाइड्रोऑक्सील आयन जोन से हैं नेगेटिव, जिनके ऊपर चार्ज होता है, वो कितने होते हैं 10^-7 मोल्स ही होते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है ये जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोऑक्सील आयन है, दे आर ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस। ये जोन से दोनों हैं ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पीएच कम होगी है, तो हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन जोन से वो ऐड करते हैं, वाटर के ब्रेक डाउन करने के बाद हाइड्रोजन आयन आते हैं और उनको ऐड किया जाता है, और फिर उस तरह क्या होता है पीएच मेंटेन कर ली जाती है। अगर कहीं पीएच ज़्यादा हो गया, मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन एक्स्ट्रा को इसके साथ मिला के वाटर में चेंज कर देते हैं। तो ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की कुछ प्रॉपर्टीज़, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो हम लोग अपने कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।